नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो AMD का जो Ryzen सीरीज वो एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज है और Intel को गेमिंग के मामले में या फिर नॉर्मल काम में बुरी तरीके से हरा रहा है। कुछ दिन पहले Ryzen का 4000 सीरीज का लैपटॉप लॉन्च हुआ था और Ryzen का जो 4000 सीरीज का डेस्कटॉप प्रोसेसर वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन ऑलरेडी Ryzen के 5000 सीरीज का जो लैपटॉप प्रोसेसर होगा उसमें एग्जैक्टली क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगा उसके ऊपर मेरे पास कुछ लीक्ड इन्फॉर्मेशन आ चुका है। और वो बस लीक्ड इन्फॉर्मेशन नहीं, एकदम कन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि Ryzen 4000 सीरीज जिसका कोड नेम है Renoir और Ryzen 5000 सीरीज जिसका कोड नेम है Seizan है, ये दोनों सीरीज के प्रोसेसर में क्या-क्या इंप्रूवमेंट है और ये कब तक मार्केट में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त गवाए। अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो Ryzen के 4000 सीरीज और Ryzen के 5000 सीरीज मैंने दोनों को चार्ट के जरिए आपको समझाया है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो Ryzen का 4000 और Ryzen का 5000 दोनों प्रोसेसर सीरीज के अंदर जो TDP का डिफरेंस है वो है 5 वाट का। तो Ryzen 4000 में जो TDP है वो है 15 वाट और Ryzen 5000 में जो TDP है वो है 10 वाट। TDP मतलब एक प्रोसेसर काम करने के लिए कितना ज्यादा पावर खींचता है। और आपको तो बताइए, एक प्रोसेसर या फिर एक मशीन काम करने के लिए जितना कम पावर खींचेगा वो मशीन उतना ज्यादा पावर और उतना कम हीट जनरेट करेगा। तो मतलब नया जनरेशन के प्रोसेसर में बहुत ही बढ़िया पावर एफिशिएंसी होगा। और नया सीरीज के प्रोसेसर में रैम के ऊपर भी डिफरेंसेस है, आप इसमें देख सकते हैं। जो Ryzen 4000 सीरीज उसमें मैक्सिमम DDR4 तक का रैम का सपोर्ट है, लेकिन जो 5000 सीरीज उसमें DDR5 रैम का सपोर्ट होगा। और DDR4 और DDR5 रैम के बीच में दो डिफरेंसेस है। पहला, जो DDR5 रैम का जो बफर स्पीड मतलब जिस स्पीड में डेटा को वो प्रोसेस करता है वो और भी ज्यादा तेज है और काम करने के लिए जो वोल्ट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी लगता है वो भी इसमें बहुत ही कम है। इसका मतलब नए वाले रैम में परफॉर्मेंस इंक्रीज और हीट भी कम जनरेट होगा। और अगर मैं प्रोसेसर आर्किटेक्चर मतलब प्रोसेसर परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं Ryzen के 4000 सीरीज में जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर वो है 7 नैनोमीटर और Ryzen के 5000 सीरीज में जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर वो है 7nm+। वैसे ये दोनों के बीच में डिफरेंस कहने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। एक प्रोसेसर के अंदर करोड़ों छोटे-छोटे ट्रांजिस्टर होता है, ऐसे ही दो ट्रांजिस्टर के बीच का जो गैप वो ही दरअसल नैनोमीटर है। और दो ट्रांजिस्टर के बीच का एक गैप जितना धीरे धीरे कम होगा वो प्रोसेसर उतना ही परफॉर्मेंस देगा, उतना ही कम हीट जनरेट करेगा। और ये जो नया वाला 7nm+ आर्किटेक्चर इसमें दरअसल सेम जगह में 20% और ट्रांजिस्टर को फिट किया गया है, तो इससे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस वो बढ़ चुका है 10% और जो ओवरऑल पावर एफिशिएंसी वो बढ़ चुका है 15%। और नया वाला ये जो CPU इसमें दरअसल Zen 3 आर्किटेक्चर को यूज किया जाएगा। पहले वाले जनरेशन में था Zen 2 आर्किटेक्चर, इसमें होगा Zen 3 आर्किटेक्चर। Zen 2 और Zen 3 के बीच में एक ही डिफरेंस है, वो है 15% IPC इंप्रूवमेंट। IPC मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, एक सेकेंड में एक प्रोसेसर अगर 100 काम करेगा पहले वाले जनरेशन में, तो इस जनरेशन में एक सेकेंड में वही प्रोसेसर 115 काम करेगा, मतलब ओवरऑल 15% परफॉर्मेंस इंक्रीज। Ryzen के 4000 सीरीज और Ryzen के 5000 सीरीज के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड का। Ryzen के 4000 सीरीज में या फिर उससे पहले जितने भी ग्राफिक्स कार्ड था Ryzen का, सभी में जो इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड वो था Vega सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड, उसमें मैक्सिमम 8 कंप्यूट कोर सपोर्ट करता था। लेकिन ये जो नया वाला 5000 सीरीज का प्रोसेसर इसमें जो इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड होने वाला है वो होगा Navi सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड जो कि 7 नैनोमीटर बेस्ड होगा और इसमें जो कंप्यूट कोर वो होगा 24 कंप्यूट कोर। मतलब अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं, पहले वाले प्रोसेसर में था 8 कोर वाला ग्राफिक्स कार्ड, इसमें होगा 24 कोर वाला ग्राफिक्स कार्ड। और ये 24 कोर में से 20 कोर होगा नॉर्मल कोर और 4 कोर होगा AI बेस्ड ग्राफिक्स कार्ड कोर। और ये तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, 8 कोर ग्राफिक्स कार्ड वर्सेस 24 कोर ग्राफिक्स कार्ड कौन सा ज्यादा बेहतर है, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। और ये सब कुछ के अलावा एक और जो इंप्रूवमेंट वो होगा, Ryzen के 4000 सीरीज के जितने भी प्रोसेसर है उसमें जो एकदम लोअर जनरेशन प्रोसेसर उसमें दरअसल 4 कोर और 4 थ्रेड था। और इस बार कहा जा रहा है कि एकदम लोअर रेंज का CPU होगा उसमें दरअसल 8 कोर और 16 थ्रेड होगा। तो आप जो मेन सवाल, इतना बढ़िया Ryzen 5000 सीरीज का ये जो प्रोसेसर है कब तक मार्केट में आएगा, ये आएगा 2021 के पहले क्वार्टर में, एकदम कंफर्म न्यूज है। तो उम्मीद है मैंने आपको बहुत ही आसानी से समझाया कि Ryzen का 4000 सीरीज और Ryzen का 5000 सीरीज के बीच में क्या डिफरेंस है और ये जो नया Ryzen 5000 सीरीज प्रोसेसर किस समय पे लॉन्च होगा। तो आज का वीडियो ही तक, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। ये वीडियो के बारे में आपका जो भी कमेंट है मुझे इसे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक